स्टोरी टाइम। इसकी वजह से जरूरत नहीं थी, ये बस मैंने हमें चवल मारी है। तो पिछले दिनों ना मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, पाँव का हुआ था, डोंट वरी, बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो उसके लिए ना मैंने वीडियो बना के ना इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, यूट्यूब पे भी लगाई थी, पर काफी सारे लोग जो इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो करते या यूट्यूब पे मुझे नहीं इतना मतलब स्टोरीज वगैरह देखते, उन्होंने मुझसे काफी पूछा था कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है। या कई लोगों ने वो वीडियो देखी भी थी तो उन्होंने ये पूछा कि अगर चलो तारे निकलवाई हैं तो हुआ क्या था। तो लास्ट से लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर आपको ये स्टोरी सुननी हुई तो मुझे लाजमी बताना, मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूंगा। तो काफी सारों ने यूट्यूब पे भी कहा कि हमें स्टोरी सुननी है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे कहा। तो टिकटॉकर्स के कोई पंगे हो नहीं रहे, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कॉन्टेंट कोई और था नहीं, मैंने कहा चलो स्टोरी सुना देते हैं। और हाँ, शायद यार मैं मेरे ख्याल से मेरा एक वाहद यूट्यूबर जिसने अभी तक ओमेगल पे वीडियो नहीं बनाई। ओमेगल पे भी वीडियो अगर चाहते हो ना तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना। ओके, लेट्स गो स्टोरी टाइम, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो बात कुछ मंदरजा ज़ैल यूं है कि हम थे तकरीबन 9th क्लास में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हुआ ऐसा था कि 9th क्लास के ना पेपर्स होने वाले थे और सभी पाकिस्तानी मेहनती बच्चों की तरह ना हम भी पेपर्स के लास्ट दिनों में तैयारी करते थे। स्कूल से तो उन्होंने ना फ्री कर दिया था, उन्होंने कहा था कि चलो दफा हो जाओ, अब घर जाके पढ़ो। हम घर में भी पढ़ते थे और एक नहीं दो दो अकेडमीज में जाते थे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम पहली अकेडमी से पढ़ के ना वापस आ रहे थे दूसरी अकेडमी में जाने के लिए। तो शाम का वक्त था, तकरीबन मगरिब के ना बाद का टाइम था और हमारी फर्स्ट अकेडमी से दूसरी अकेडमी के दरमियान एक ना मेन रोड था। ठीक है, फर्स्ट अकेडमी से आते हुए दूसरी अकेडमी में जाने के लिए ना हमें वो रोड क्रॉस करना पड़ता था। ठीक है, और उस रोड पे ना तब स्ट्रीट लाइट नहीं लगी होती थी। तो 9th क्लास में थे तब, जरा छोटे ही थे हम, बच्चे ही थे, तो हम बड़े हंसते खेलते आ रहे थे। एक साइड वाला रोड हमने क्रॉस कर लिया था, फुटपाथ पे हम खड़े थे और रात के वक्त ना अगर तो स्ट्रीट लाइट नहीं हो तो फिर तो ज्यादातर अंदाजा लगाया जाता है गाड़ियों की लाइट से, हेडलाइट से, कि कोई गाड़ी आ रही है। तो तब मेरी माड़ी किस्मत, तब एक वहां से बाइक आ रही थी, उसकी हेडलाइट नहीं थी। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, हम तीनों ना फुटपाथ पे खड़े हुए थे। मुझे लगा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही तो मैंने स्टेप अप कर दिया। मैं तब तक रोड पे पहुंच चुका था, तब मेरे दोस्तों ने मुझे पीछे से आवाज दी, फैसल। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी सनम, फैसल साहब रड़ते जा ही रहे थे। वो एक बाइक वाला था, वो बाइक वाला ना बहुत ही वन व्हीलिंग करके आ रहा था और जिग जैग यूं वूं करके आ रहा था और उसके 70 की स्पीड भी जितनी हो सकती थी ना उसने सारी उसकी रेस नपी हुई थी। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि इसे गाड़ी तो नजर नहीं आई, इसे ये कैसे पता चल गया कि वो वन व्हीलिंग कर रहा था और जिग जैग कर रहा था। तो सनम ये बताया मुझे वहां के लोगों ने, वो भाई साहब फुल्ली शूटर आ रहे थे, ऐसे जैसे उसकी पता नहीं भैन दौड़ गई उसको पकड़ने जा रहे। वो आया और मैं गया, इतने जोर से लगे ना कि हम काफी दूर तक ना रोलिंग करते हुए बहुत दूर तक गए थे। वो भी वहां गया था, मैं भी गया था, उसके भी काफी सारी चोटें लगी थी, मेरे भी लगी थी। इतनी दूर मैं और वो इसलिए गए थे क्योंकि वजह ही वो बहुत ठा करके था। उसके बाद वहां पे काफी सारे लोग आ गए और मुझे यार ये समझ नहीं लगती, जब कोई एक्सीडेंट होता है सभी आके वहां पे ये क्यों कहने लग जाते कि पानी लिया पानी लिया पानी लिया पानी लिया। यार एक्सीडेंट हुआ है कि मैं रो देना बेहोश हुआ, बंदा पूछे मेनू कड़ा होते चक्कर आते चक्कर आके डिग पे। खैर उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा 11 भाई को बुलाए, मैंने कहा नहीं नहीं इतना मसला नहीं है, कोई नहीं मैं चला जाऊंगा। पर मुझे ना मेरे पाँव में जरा ना मसला हो रहा था, इवन मैं वहां पे यार खड़ा होकर चलना शुरू हो गया था, थोड़ा मसला हो रहा था चलने में, पर मैं वहां पे चल रहा था। थे हम वहां पे पैदल ही, फिर ये हुआ कि वहां पे ना हमारा एक जानने वाला जा रहा था, उसने हमें देख लिया, उसने मुझे बाइक पे बिठाया और मुझे मेरे घर पे छोड़ आया। गली से लेके घर के अंदर तक भी मैं चल के ही आया। ठीक है, फिर अंदर आकर मैं लेट गया, घर वाले सारे परेशान हो गए कि क्या हुआ है क्या हुआ है। मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो कोई मसला नहीं, ओके सब। मैं बेड पे scoot.com के साथ लेट गया पर थोड़ी बहुत खराशें लगी थी, पर मुझे पैर में ना बहुत दर्द हो रही थी, पर 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 अभी वो दर्द बहुत ज्यादा दर्द से कम था क्योंकि अभी पाँव जरा गर्म था, मुझे ज्यादा पता नहीं चल रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ना पाँव में स्वेलिंग होना शुरू हो गई, फिर मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं भाई अब काम खराब है, इसे उठाओ और ले जाओ। फिर क्या हुआ, फिर क्या? फिर सबसे पहले हमने केक मारी और डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले इसका ना HD करके ना एक एक्सरा निकलवा के आओ। हम एक्सरे वाले के पास गए, एक्सरा निकलवाया और जब वो निकलवाया तो हड्डी ब्रेक हुई हुई थी, मेरे घुटने की हड्डी एक ना अलग हुई पड़ी थी। जब मुझे पता चला ना कि हड्डी टूट गई है तब मेरे जहन में यही चल रहा था, लग गए।
लसन। फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता से ना पांव जरा ठंडा होना शुरू हुआ, स्वेलिंग और ज्यादा हो गई और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं वहां पे डॉक्टर के पास बैठा हुआ था और मेरे दर्द बहुत हो रही थी। मैं अपने पांव को पकड़ के हूँ, पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना रहा था। डॉक्टर वहां पे आया, उसने कहा क्या हुआ शेर पान शेर। मैं वहां पे दिल ही दिल में ना डॉक्टर की तरफ देख रहा था और कह रहा था बंदा पूछे शेर कड़ा बोनलेस होता, शेर की भी हड्डी टूट जाए तो उसे भी दर्द होगा ही ना। फिर ये उसके बाद उसने मुझे ना एक पेन किलर दिया और उसने कहा कि अभी ऑपरेट नहीं होगा, सुबह को ऑपरेट होगा। तब हम घर आ गए, फिर सुबह वापस गए और तब हमारा ऑपरेट हुआ, हमारा नहीं मतलब मेरा। और जब ऑपरेट हो रहा था ना, तब तो बंदा वैसे डरा होता है कि यार पता नहीं इन्होंने मेरे ना की करना। तब वहां पे एक डॉक्टर था, एक नर्स थी और एक मुंडा था। डॉक्टर अभी जाके ना वो कपड़े शपड़े पहन रहा था, अपने छुड़ियां बुकते तेज कर रहा था। और यहाँ पे ना जो नर्स थी और वो लड़का था ना, वो वक्री आज की मिजूकी में लगे हुए थे। मैं वहां पे लेटा हुआ, वो आपस में बातें भी कर रहे हैं और मेरे ना वो सिरिंज वगैरह भी लगा रहे थे, वो ड्रिप वगैरह लगानी थी उसके लिए मेरे सिरिंज भी लगा रहे थे। ठीक है। अब वो जो लड़का था ना, वो अपनी आज की मिजूकी में अपनी मिशूक माजदा के साथ लगा हुआ था। तेरी आंखों के जंगल में जाऊं तो जाऊं कैसे, वो चवल सा देख उसकी तरफ रहा था और सिरिंज मेरे लगा रहा था। अब मैं यहाँ पे ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसने मेरी वेन का क्या हाल किया था, क्योंकि वो जरा ग्राफिक वायलेशन हो जाएगी और आप भी सुन नहीं पाओगे। उससे जरा, बल्कि जरा नहीं, बहुत ज्यादा मिस हैंडलिंग हो गई, उसने मेरी नाड़ को तकरीबन फाड़ ही दिया था काफी सारी। बाद में जैसे तैसे ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन थिएटर में बाहर आया, बाहर आके मैं वो कमरे में ले गए मुझे, वहां पे मैं लेटा हुआ था, काफी सारे रिश्तेदार आ रहे थे, रिश्तेदारों में मेरा हाल चाल पूछा और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी आए, उन्होंने पूछा कि नर्सें ठीक हैं, नर्सें कैसी हैं, नर्सें अब सेवा कर रही हैं, प्यारी हैं कि नहीं है। उन्होंने मेरा हाल नहीं पूछा ना, हाल मेरा नहीं पूछा, नर्सों का पूछा है, वो ठीक है। इसके बाद ना तुम्हारे लिए एक नसीहत है, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो जाए, एक्सीडेंट हो या कहीं तुम्हारे चोट लग जाए, उसकी तुमने ना एक ही दफा ना एक कैसेट ले लेनी है या मोबाइल में ना रिकॉर्डिंग करके रख लेनी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था शुरू से लेके एंड तक। क्योंकि कोई भी रिश्तेदार आएगा ना, उसने आते ही पूछना है पुत्र की होया सी, और उसे फिर से शुरू से लेके एंड तक की कहानी दोबारा सुनानी पड़ेगी। तो पहले ही रिकॉर्डिंग करके रख लेना, जो भी पूछे वहां से प्ले कर देना, सुन ला। वो टांग पे मेरे उन्होंने प्लास्टर किया हुआ था और जो भी आता था वो अपने सिग्नेचर तो ऐसे करता है ना जैसे आतफ असलम का मुंडा हो। जब तक मैंने वो प्लास्टर उतरवाना था ना, वो साइन से लदा हुआ था। अब जब आपका कोई पता भी लेने आता है ना, वो भी बड़े किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं जो सारी दास्तान सुनते हैं उसके बाद कहते हैं कि यार अल्लाह तुम्हें आराम दे, अल्लाह तुम्हें शिफा दे, अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं। और कुछ ऐसे चवल लोग होते हैं ना, वो आते हैं बैठते हैं सुनते हैं सारी दास्तान सुनते हैं फिर कहते हैं कि यार वो जिहड़ा रफीक दा मुंडा नहीं सी, ओदे भी बिल्कुल इदा ही होया सी, ओ अज तक नहीं बाद च तुर पाया, ओ को ते नहीं अज तक तुरया गया, तेरा पता नहीं, अल्लाह वैसे तेनू शफा दवे। वैसे देखो जी तुरया जावे बहुत आ, दौड़ के आपा की लेना। ऐसे बंदे अगले बंदे को ना वैसे डेड कर जाते कि लै भाई हूं दे आपा गए, जिंदगी खत्म हो गई, ब्लैक है सब कुछ। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं ना के सिर्फ चलने लग गया था बल्कि दौड़ने भजने मैं क्रिकेट वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल सकता था। और अब आते हैं कि अब दोबारा ऑपरेट क्यों करवाया। पहला ऑपरेट करवाए हुए मुझे अभी तक गुजर गए हैं तकरीबन 9-9.5 साल। और जो हड्डी वहां से टूटी थी ना, उसको उन्होंने बाइंड किया था तारों के जरिए, जो कि मुझे बहुत ही पहले निकलवा देनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब से हमने पूछा था कि इन तारों का क्या करना है, ये कब निकलवानी है। कहता वैसे इनका ज्यादा मसला तो कोई नहीं होता, जब ये तंग करेंगे ना वो निकलवा देना। वो मुझे तंग की तकरीबन 9 साल बाद। अब ये होता था कि वो जब मर्जी मुंह चोक के ना पैर दर्द करने लग जाता था, ठीक से चला नहीं जाता था, पांव में दर्द होता था और ब्ला ब्ला ब्ला। इस दर्द के लिए ना मैंने पाकिस्तान की ऑलराउंडर गोली मतलब पैनाडोल भी खाई थी। पैनाडोल खाने से मुझे आराम तो आ गया था, पर मैंने ना ज़हन में एक बना लिया था कि यार अब इस चीज से ना जान छुड़वाई जाए। तो फिर ये है कि अब मैंने दोबारा से ऑपरेशन करवाया था, जो वो तारे थी ना वो मैंने निकलवा दी हैं। अब मैं हो गया हूँ वायरलेस और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारा मेरा ठीक है। जख्म वगैरह भर गए हैं, थोड़े से वो जो होते हैं ना ऊपर वो रह गए, निशान वगैरह रह गए, बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। अभी मैं चलना वगैरह स्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह मैं भागना भी स्टार्ट हो जाऊंगा। आप भी जरा कमेंट्स बॉक्स में लास्ट भी लिख दिए इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लानी, बड़ा गोश्त नहीं खाना और छोटे को ना नहीं करनी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अब वीडियोस वगैरह आती रहेंगी, कंटेंट आता रहेगा, गेमिंग चैनल पे भी आता रहेगा, मेन चैनल पे भी आता रहेगा। आप चेक कर रहे हो कैसा सिलाब आया हुआ वीडियो का, वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं। आजकल तो मैं इतना वेला हुआ पड़ा हूँ ना कि मैं वेला तो हूँ पर मेरे पास कंटेंट कम है। तो आपके भी दिल में, दिमाग में, जेब में, गुर्दे में कोई भी वीडियो का आइडिया हो ना तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बल्कि स्पेशली मुझे ना इंस्टाग्राम पे बता दिया करो। वेले तो हम हैं ही, आइडिया अगर जबरदस्त हुआ तो उस पे लास्ट में वीडियो बनाएंगे। और ओमेगल का भी सीन मुझे बताओ, वो ऑन
फोन करें या रहने दें, आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, यही तो देखना है। आपके लिए तो सब कुछ करना है। सलाम, तुम खुश तो हम खुश। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। और ये तो नहीं कह सकता कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी है, पर ये है कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में शुभकामनाएं दें। और वीडियो को लाजमी शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको तश्वीश हो रही थी कि इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने क्यों ऑपरेट करवाया। और अगर अभी तक आपने मुझे मेरे ब्रांचेस पर फॉलो नहीं किया हुआ या मुझे मेरे दोनों चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगी घंटी को भी बजा दे ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रुकावतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपकी छोटी बहन का, आपकी बड़ी बहन का, आपका और आपके घर पार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।